तो हमने अपने रियल एनालिसिस के पहले लेक्चर में मैंने आपको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट और काउंटेबली अनकाउंटेबल सेट के बारे में बताया था। मैंने उनकी कार्डिनलिटी के बारे में बताया था और मैंने रियल जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी थी, जिसको आपने काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी जो थी, उसको मैंने किससे लिखा था, याद करिए, एलएफ नॉट से। और कार्डिनलिटी रियल नंबर की मैंने लिखी थी स्मॉल सी से। और ये बात स्पष्ट है यहाँ पर कि ये अनकाउंटेबल है, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एन इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ आर। यहां मैं बता सकता हूं कि इस इंफिनिटी का साइज इस इंफिनिटी के साइज से कम है। सो एलएफ नॉट is less than c, ठीक है। इसी तरह से और बातें भी हम कर सकते हैं, 2c क्या होगा, 2lf नॉट क्या होगा, 3lf नॉट क्या होगा। तो ये बातें हैं, पर इस पर हमें इसकी चर्चा अभी हम नहीं करना चाहते, इसके पहले हम कुछ और टॉपिक्स पे आना चाहते हैं। ये बात की बातें हैं, पर इससे हमारा, हमने जितना अभी तक पढ़ा उससे हमारा काम चल सकता है। एक डायगोनल प्रोसेस में आपको और बता देना चाहता हूं एक्स्ट्रा, जैसे आपको दिखाना है कि काउंटेबल नंबर जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो काउंटेबल है। तो एक काउंटेबल का मतलब समझिए अच्छे से, काउंटेबल का मतलब होता है आप उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग जब कर दी आपने तो आप किसी को वन, फिर किसी दूसरे को टू, थ्री, फोर, आप नेचुरल नंबर से पेयरिंग कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर को काउंटेबल दिखाने का बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है। ज्योमेट्रिकली आप सारे रैशनल नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं आप जानते हैं, सारे रैशनल नंबर m अपॉन n के फॉर्म के होते हैं, जहां m और n इंटीजर होते हैं और n नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इस फॉर्म के सारे नंबर किसकी श्रेणी में आते हैं, रैशनल नंबर्स की श्रेणी में, रैशनल नंबर्स की श्रेणी में आते हैं। रैशनल नंबर्स के लिए इनको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि रैशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो इनकी लिस्टिंग करने, देखिए कैसी लिस्टिंग की मैंने, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 एंड सो 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 एंड सो ऑन। मैंने सारे रैशनल नंबर्स लिस्ट कर दिए, ये पूरी रो बता रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं इस रो में सारे एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट हैं, पर इन दो रो में एलिमेंट कॉमन भी हो सकते हैं। जैसे आप देखिए 1/1, 2/2 सेम है, 2/4, 1/2 सेम है, चिंता मत करिए। जब ये सेट काउंटेबल होगा तो काउंटेबल नंबर तो उससे भी कम है तो वो ऑटोमेटिकली काउंटेबल होंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। मैंने तो बड़ा सेट लिख दिया या रिपीटेड सेट लिख दिया, इससे कोई चिंता करने की बात नहीं। काउंट कैसे करते हैं, आप यहां से यहां जाइए, यहां से यहां आइए, यहां से यहां आइए, यहां से यहां जाइए, यहां से यहां जाइए, यहां से यहां जाइए, यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से नीचे वाले पे आइए, फिर नीचे जाइए एंड सो। देखिए जरा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। या आपको लगता है, यदि आपको लगता है कि आप किसी नंबर को एक बार काउंट कर चुके हैं, उसको छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, इसको छोड़ दीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो आप जो नंबर एक बार रिपीट हो चुका उसको छोड़ सकते हैं, पर मैंने क्या कर दिया, लिस्टिंग कर दी। इस लिस्टिंग से लग रहा है कि मैं रैशनल नंबर्स को क्या कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ, इसलिए इसको कहा मैंने काउंटेबल सेट, रैशनल नंबर का सेट भी काउंटेबल। इसको डायगोनल काउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं इसको। सो ये डायगोनल प्रोसेस जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये डायगोनल प्रोसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है काउंट करने की, बड़ी स्टैंडर्ड है। आपको जो भी स्टैंडर्ड बुक उठाएं आप,
वॉल्टर रूडिन की मैंने बुक के नाम नहीं लिखे हैं, सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय, फेमस बुक है वॉल्टर रूडिन। थोड़ी सी इजी बुक देखना चाहते हैं तो रियल एनालिसिस बाय, ये भी स्टैंडर्ड बुक है, वॉल्टर एंड शेफर्ड। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बहुत बुक है, कई बुक है। और स्टैंडर्ड की बुक देखना चाहते हैं जैसा थोड़ी डिफिकल्ट बुक है, थोड़ा हाई लेवल की बुक है आपकी उससे, या एडवांस लेवल की कभी आपको इच्छा जागे पढ़ने की, तो ये है रियासिस बाय एचएल रॉयडेन। तो इस बुक को आप जरूर अपने पास रखिए, ये बुक क्लासिक है और ये बुक थोड़ी एडवांस लेवल की बुक है। सो एनीवे, ऐसी कई रियासिस की कई बुक है, नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज्यादा है। सो ये मैंने आपको काउंटेबल सेट के बारे में बताया, इसके बाद हमने फाइनाइट सेट पढ़ा, हमने इनफाइनाइट सेट पढ़ा, अब ना हम एक और कैटेगरी सेट की पढ़ना चाहते हैं जिनको हम बाउंडेड सेट कहते हैं, एक नई कैटेगरी पढ़ना चाहते हैं हम। तो ये मैं सारे सबसेट रियल नंबर में बात कर रहा हूं, याद रखिएगा बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट मींस बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। बाउंडेड का कॉन्सेप्ट क्या है, रियल लाइन, मैंने आपको रियल लाइन बताई थी, याद करिए मैंने आपको रियल लाइन बताई है। यदि मैं रियल लाइन में सेट की बात कर रहा हूं तो एक प्रकार से देखा जाए तो रियल लाइन वन डायमेंशन है इस सेंस में देखा जाए, पर इसकी दो साइड है, एक पॉजिटिव साइड की साइड है, जीरो यदि यहां पर है तो ये पॉजिटिव साइड है राइट, और ये नेगेटिव साइड है। तो मेरे पास दो साइड्स का ऑप्शन है, इसमें मैं जो भी सेट लूंगा, इसमें मैंने कोई भी सेट लिया, रियल नंबर का कोई भी सेट लिया, तो इसका एक सिरा किस ओर होगा, पॉजिटिव साइड की तरफ होगा, और एक सिरा उसके अपोजिट साइड की तरफ होगा। हम इस साइड को अबव वाले साइड कहें मान लीजिए, और इस साइड को बिलो वाली साइड कहें। ये रियल लाइन को कुछ ऐसे देखें आप कि नीचे से ऊपर जा रही है, तो नीचे जितना जा रहा है वो नेगेटिव साइड को जा रहा है, ऊपर जितना जा रहा है पॉजिटिव साइड को जाता, ऊपर अबव और बिलो सब्जेक्टिव, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हैं। तो हमने कॉन्वेंशनली यही चीज को माना, इसको अबव और इसे बिलो कहा। तो बाउंडेड सेट कहने के पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई सेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेट देता हूं, इस सेट को जरा देखिए, जैसा माइनस इंफिनिटी से लेकर 5, इसको रे कहते हैं जो 5 से स्टार्ट हो रही है। रियल लाइन में ये ऐसे दिखाई देगी, ये 5 है, इसमें ये सारे एलिमेंट आएंगे, ये रे है जो नेगेटिव साइड को जा रही है, 5 इसमें नहीं आएगा, ये पॉइंट इसमें नहीं है, तो रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 5 है। तो इसमें ये सारे, इसमें वो सारे रियल नंबर आएंगे जो कि 5 से छोटे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने भी आपको माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को नंबर तो बोला नहीं, वैसे मैंने कहा था ये एक्सटेंड, ये सिंबल है, ये बता रहे हैं कि आप बढ़ते जा रहे हैं इस साइड को, कोई अंत नहीं है, मतलब आपका ये सेट इस साइड से बंधा हुआ नहीं है, बाउंड किया हुआ नहीं है। हाँ, ये सेट राइट साइड से, जिसको आप अबव साइड कहते हैं, उससे बाउंडेड है, बंधा हुआ है कि एक समय के बाद में, एक वॉल के बाद में, वॉल कहां पर है, वॉल 5 के आसपास बनी हुई, जिसके बियॉन्ड नहीं जा सकते यार। तो यहां कॉन्सेप्ट आया एक सेट में बाउंडेड अबव का, नीचे से बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड अबव। इसी तरह से मैं दूसरा सेट ले लूं, मान लीजिए मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लूं, देखिए जैसा रियल लाइन में देखें तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, 2, 3, ये देखिए नेचुरल नंबर का सेट जा रहा है इस ओर, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, एंड सो ऑन। इस सेट को ध्यान से देखें तो ये सेट राइट साइड में बढ़ते चले जा रहा है, किस ओर, इंफिनिटी की ओर,
मतलब बंधा हुआ नहीं है राइट साइड से, मतलब पॉजिटिव साइड से बंधा नहीं है, बाउंडेड नहीं है, कोई वॉल खड़ी नहीं है। यदि कोई वॉल खड़ी करेंगे भी तो उसके बियॉन्ड भी नंबर है। पर ये लेफ्ट साइड से, नेगेटिव साइड से देखिए ये सेट बंधा हुआ है। तो यहां कॉन्सेप्ट आया बाउंडेड बिलो का, सिंपल सा। जैसे आप जनरल लैंग्वेज चलती भाषा में, चलती अपनी लोकल आप बात करने वाली भाषा में जो बात कर रहे हैं वही हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, पर हम मैथमेटिक्स को प्रिसाइज मैथमेटिक्स, जो ये लैंग्वेज है, जो वर्ड है, इनको प्रिसाइज मैथमेटिकल, हम इनको एक मैथमेटिकल कपड़े पहनाना चाहते हैं प्रिसाइजली, जिससे आप परफेक्टली मैथमेटिकल सूटेड बूटेड दिखें, लॉजिकल। तो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। अब बाउंडेड का क्या मतलब हुआ? बाउंडेड का मतलब हुआ कोई सेट जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। मतलब कैसा सेट? थोड़ी देर के लिए हम देखें रियल लाइन में। मान लीजिए ये वाला सेट -7 से लेकर 100 तक का, ये वाला सेट -7 से 100। मैं साथ में आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, ऐसे सेट को क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल मतलब इसमें वो सारे रियल नंबर आएंगे जो 7 से बड़े या उसके बराबर हैं, 100 से छोटे या उसके बराबर हैं। देखिए जैसा ये इस साइड -7 से ब्लॉक हो गया और नीचे साइड को बाउंडेड बिलो -7 से ब्लॉक हो गया और अबव साइड में 100 से ब्लॉक हो गया, इसका मतलब ये बाउंडेड हो गया। बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। जैसे आप ओपन इंटरवल ले लें, ये तो मैंने इनको ओपन रेज भी कहती है, ये ओपन रे है, ये इनफाइनाइट सेट है ओनली, ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल में तो, इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल में हर पॉइंट आनी चाहिए बीच के, इसमें एक के बाद दो आ रहा है, एक और दो के बीच के पॉइंट नहीं आ रहे, तो ये इंटरवल नहीं है। इट इज नॉट इंटरवल, इट इज नॉट इंटरवल, ये इंटरवल नहीं है, हाँ इनफाइनाइट सेट है ये, ओपन, ये इंटरवल है। ऐसे इंटरवल को आप अनबाउंडेड इंटरवल कहते हैं, तो कई लोग इसको रे कह देते हैं, रे कहना ज्यादा उचित है। इंटरवल, ओपन इंटरवल कैसे, जैसे मैंने लिया 50 से लेकर 1000। देखिए क्लोज इंटरवल में देखिए क्या हो रहा है, -7 और 100 के बीच के सारे रियल नंबर आ रहे हैं, साथ में क्या आ रहा है, सारे रियल नंबर आ रहे हैं, सारे साथ में एंड पॉइंट्स भी आ रहे हैं, ये वाला एंड पॉइंट भी आया और ये वाला एंड पॉइंट भी आया। ओपन इंटरवल में क्या हो रहा है भाई, ओपन साफ लग रहा है, ओपन में हमने दीवार इंक्लूड नहीं की, हमारी जो बाउंड्री वॉल थी, यहां बाउंड्री वॉल -7 थी, यहां बाउंड्री वॉल 100 थी, हमने इसमें बाउंड्री वॉल, ओपन का मतलब बाउंड्री वॉल को हमने ओपन स्पेस बनाया, बाउंड्री नहीं रखी है पर स्पेस ओपन है, बंधा हुआ है। तो एक्स 50 से बड़े और 100 से छोटे नंबर, 1000 से छोटे नंबर, तो बाउंड्री को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो ऊपर वाले को कहते हैं क्लोज इंटरवल, नीचे वाले को कहते हैं ओपन इंटरवल। इसी तरह से आप देखेंगे आप पे कॉन्सेप्ट और भी होते हैं इंटरवल के, सेमी क्लोज सेमी ओपन, नाम से स्पष्ट है। ये देखिए 5 7 सेमी क्लोज क्यों कहा, यहां से क्लोज है और यहां से ओपन है, या इसको सेमी ओपन भी कह सकते हैं, दोनों साइड हो सकता है। ये देखिए ये क्लोज है लो साइड, लोअर साइड से, ओपन है अपर साइड से, इसको भी सेमी क्लोज या सेमी ओपन जो कहना चाहते हैं। ये ओपन है लोअर साइड से, क्लोज है अपर साइड से, इसको भी आप सेमी क्लोज या सेमी ओपन जो कहना चाहते हैं। तो ये सेमी क्लोज इंटरवल है, सेमी क्लोज्ड और ओपन, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हैं। इसमें वो सारे रियल नंबर होंगे क्योंकि ये नीचे बाउंड्री को रखता है तो 5 इंक्लूडेड है, ऊपर बाउंड्री को नहीं रखता तो 7 एक्सक्लूडेड है।
बाहर है सेवन, ये वो रियल नंबर है जिसमें माइनस फाइव इन माइनस फाइव बाहर है लोअर से और जीरो इंक्लूडेड है, तो सेमी क्लोज और सेमी, तो सेमी इंटरवल्स है ये एक प्रकार से, ओपन या क्लोज नाम पर डिपेंड करता है आप क्या नाम ले रहे हैं, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, रे रे ओपन, रे ओपन है, और यदि मैं इसको क्लोज कर दूं तो इसको क्लोज रे कहते हैं, तो ये अब क्लोज रे हो गई, क्लोज्ड रे, ओके। ये हमने बात कर ली इसकी, यहां पर मैंने बाउंडेड सेट की, अब मैं डेफिनेशन दे दूं, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन देते हैं। हर बार हम कोई चीज एग्जाम्पल में देते हैं उसे हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, उसको हम डेफिनेशन कहते हैं, आप जो कहना चाहें, मुझे उस बात को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, क्योंकि मैथमेटिकली जब मैं एक्सप्रेस करूंगा तभी मैं कंप्यूटेशन कर पाऊंगा, तभी मैं कुछ एनालिसिस कर पाऊंगा। तो क्या बोला मैंने बाउंडेड सेट के लिए, पहले डेफिनेशन में किसकी दी, देखिए आप इसको डेफिनेशन कह सकते हैं, एफ ए सेट एस ऑफ रियल्स, माने रियल इसके, इस सेट के मेंबर रियल नंबर है, इसका मतलब कहना मैं चाहता हूं ये सेट एस सबसेट है रियल नंबर का, ए सेट एस ऑफ रियल्स इज कॉल्ड बाउंडेड अबव इफ, ए सेट एस इज ऑफ रियल्स इज कॉल्ड बाउंडेड अबव इफ, क्या होना चाहिए बाउंडेड अबव का मतलब क्या होता है, इफ देयर इज ए पॉजिटिव रियल, और देयर इज ए रियल नंबर, मैं इसको यह कहना चाहूंगा, देयर इज ए रियल नंबर एम such that x is less than equal to m bounded above for all x belonging to s, इसका मतलब सेट s के हर एलिमेंट इस m से छोटे हैं या इसके बराबर है, इसका मतलब ये वॉल है खड़ी, मतलब S का कोई भी एलिमेंट इस वॉल के राइट साइड में नहीं है, तो इस सेट को बाउंडेड अबव कहेंगे। कौन सा एग्जांपल दिया था मुझे बताइए, ये देखिए ये एग्जांपल मेरा पिछला वाला एग्जांपल, ये बाउंडेड अबव सेट का एग्जांपल है, फाइव से है बाउंडेड अबव, ये M को फाइव ले सकते हैं, M को आप कोई भी नंबर फाइव से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं फाइव लू, फाइव से बड़ा जो भी नंबर लू उससे सारे नंबर छोटे हैं इस सेट के, तो बाउंडेड अबव है। ये देखिए माइनस सेवन टेन बाउंडेड अबव है टेन से, फाइव सेवन बाउंडेड अबव है सेवन से, डेफिनेशन सेकेंड, बिल्कुल सेम डेफिनेशन किसकी दे सकते हैं, S is bounded below if there is M such that, वही डेफिनेशन M है, कोई नंबर M मिलेगा, ये जरूरी नहीं कि ये है M और ये M सेम नहीं है, प्लीज मैं नाम लिख दे रहा हूं एक ही, पर इसका मतलब ये मत सोचिए सेट S का नाम, बार बार मैं नए नए नाम देने की अपेक्षा इसी सेट में काम कर रहा हूं, तो इसके ये चीज मत सोचिएगा कि ये एम और ये एम सेम है, ये एम रियल नंबर है, कोई रियल नंबर मिलेगा आप, चलिए आप घबराइए मत, मैं सुना ए सेट टी इज बाउंडेड बिलो इफ देयर इज ए रियल नंबर आर सच दैट, यस सेट के हर नंबर फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू टी,
सेट का हर नंबर आर से बड़ा है या बराबर है। जैसे ये सेट बाउंडेड बिलो नहीं है क्योंकि यहां कोई आपको रियल नंबर नहीं मिला, माइनस इंफिनिटी रियल नंबर नहीं, याद रखिए ये सिंबल है, रियल नंबर नहीं है ये बाउंडेड बिलो है माइनस सेवन से, ये बाउंडेड बिलो है फाइव से, साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल ये दिया था आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो बाय वन, वन से बाउंडेड बिलो है, ठीक है। अब क्या करें, हम हमने बाउंडेड अबव कह दिया, बाउंडेड बिलो कह दिया, और हमारी डेफिनेशन खत्म हो गई बाउंडेड सेट की। कैसे सेट बाउंडेड होंगे? यस, ए सेट ए ऑफ रियल्स इज बाउंडेड सेट। जब भी मैं बाउंडेड सेट कहूं इसका मतलब होता है इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। वो सेट जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो उसको हम बाउंडेड सेट कहते हैं। याद रखो आपके दिमाग में चल रहा होगा बाउंडेड मतलब फाइनाइट। यस, हर फाइनाइट सेट बाउंडेड होता है। आपका सोचना सही चल रहा है क्योंकि हम जनरली ना फाइनाइट सेट की टर्म्स में सोचते हैं तो कभी कभी हमारा मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो जाता है हमारे इसमें कि यार सेट बाउंडेड है तो फाइनाइट होगा ना। ये देखो ये बाउंडेड सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट ही नहीं अनकाउंटेबल है। मैंने आपको बताया था इंटरवल्स अनकाउंटेबल होते हैं, रियल नंबर अनकाउंटेबल है, ये भी बाउंडेड सेट है, बाउंडेड बिलो भी है बाउंडेड अबव भी है, ये अनकाउंटेबल है। फाइनाइट सेट तो हमेशा बाउंडेड होते ही क्योंकि फाइनाइट सेट में तो फाइनाइट नंबर एलिमेंट होते हैं, कहीं से शुरू होंगे और कहीं तक जाएंगे। जहां से शुरू हो रहे हैं वो नीचे वाली बाउंड्री है, जहां तक जाएंगे वो ऊपर वाली बाउंड्री है। तो एवरी फाइनाइट सेट इज ए बाउंडेड सेट, हर फाइनाइट सेट बाउंडेड सेट होता है। ये फैक्ट बिल्कुल सही है, पर इनफाइनाइट सेट भी बाउंडेड हो सकते हैं। जैसे ये देखा आपने, कई सेट बाउंडेड होते ही नहीं है, ना तो बाउंडेड अबव होते हैं ना बाउंडेड बिलो होते हैं। बताओ कौन सा सेट? यस, सेट ऑफ इंटीजर्स। कैसा होता है ये सेट बताइए, सेट ऑफ इंटीजर्स कैसा होता है? जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू एंड दिस वन। ये सेट ना तो बाउंडेड बिलो है और ना ये सेट बाउंडेड अबव है। ऊपर भी बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी तक, नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ती आती जा रहा है। तो ये सेट क्या नहीं है? नीदर बाउंडेड बिलो नॉर, न तो बाउंडेड बिलो है नॉर बाउंडेड अबव। ना तो ये बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड अबव है, इसका मतलब ये बाउंडेड है ही नहीं। नेचुरल नंबर का सेट भी बाउंडेड अबव नहीं, बाउंडेड नहीं है। क्यों बाउंडेड नहीं है? ये बाउंडेड बिलो तो है पर नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड अबव नहीं है। बाउंडेड होने के लिए जरूरी है बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। वेरी गुड, ये हमने आपको बता दिया कि रियल नंबर में बाउंडेड सेट क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़े किस पर? बाउंडेड सेट में हमें दिखाना है सुप्रीमम और इनफीमम। कैसे करेंगे देखिए, अब हम जान गए हैं बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड सेट। अब सेट यदि हमारा बाउंडेड है तो बाउंडेड सेट की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, बाउंडेड सेट में क्या प्रॉपर्टीज होती है। इफ a set S is bounded
अबव बाय ए नंबर एम, क्या मतलब था इसका, समझ रहे हैं आप क्या मतलब था इसका, याद करिए, बाउंडेड अबव बाय नंबर एम का मतलब क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू m है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s, मतलब s के हर एलिमेंट m से छोटा है या उसके बराबर है, इफ s इज बाउंडेड अबव बाय ए नंबर m देन दिस नंबर इज कॉल्ड अपर बाउंड, बाउंडेड अबव, अपर बाउंड ऑफ सेट एस, इस नंबर को सेट एस का अपर बाउंड कहते हैं, वन को। अब याद करिए, अपर बाउंड यूनिक नहीं होता, यदि ये नंबर, ये सारे नंबर यदि इस वॉल से बंधे हैं, ये मान लीजिए वॉल है, तो ये तो इसके राइट साइड में आने वाली हर वॉल से बंधे होंगे, इसका मतलब इससे बड़ा कोई भी नंबर ले लो, ये नंबर हमेशा उस नंबर से क्या होंगे, छोटे होंगे सेट एस के, इसका मतलब m यदि अपर बाउंड है तो m से बड़े हर रियल नंबर अपर बाउंड होंगे। तो क्या बात नोट की, नोट दैट ऑल रियल नंबर्स greater than m are also, all real numbers greater than m are also upper bound of s। कहने का मतलब है, यदि किसी कोई सेट बाउंडेड अबव है और यदि कोई रियल नंबर उसका अपर बाउंड है, तो उस रियल नंबर से बड़े सारे रियल नंबर उसके अपर बाउंड हो जाएंगे, इसका मतलब जनरली अपर बाउंड का सेट इनफाइनाइट होता है। आया समझ में आपको कि नहीं आया, बताइए क्या बोला मैंने, फिर से याद रखिए क्या बोल रहा हूं मैं आपसे ये बोल रहा हूं, यदि कोई सेट बाउंडेड अबव है इसका मतलब वो किसी रियल नंबर से बंधा है, हमको केवल बाउंडेड अबव का मतलब होता है वो किसी वॉल से, किसी वॉल के लेफ्ट में है कि नहीं है, तो वो वॉल जरूरी नहीं कि एम हो, मैं एम के राइट में एक वॉल बना दूं तो उसके उस नंबर उसके भी लेफ्ट में है, मैं और वॉल बना दूं राइट में तो नंबर और नंबर उससे बधे हुए, इसका मतलब जरूरी नहीं कि यही एम अपर बाउंड होगा, तो एम से बड़े हर नंबर उसके अपर बाउंड हो जाएंगे, तो इसका मतलब यदि कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसके अपर बाउंड का एक सेट होता है, समझ में आ रहा है क्या बोला, उसके अपर बाउंड का क्या होता है, सेट होता है। अब हम यहां पर बड़े अच्छी जगह पर पहुंच रहे हैं, किस जगह पहुंच रहे हैं, पहले मैं एग्जांपल बता दूं, पहले मैं एग्जांपल देख रहा हूं, ये देखिए मैंने ये सेट लिया -7 से 100, ये सेट लिया ओपन इंटरवल -7 से 100 लिया, आपको अच्छे से पता है ये किससे बाउंडेड अबव है, 100 इज एन अपर बाउंड, 100 इसका अपर बाउंड है, एंड ऑल नंबर्स greater than 100 are also upper bound, तो इसके अपर बाउंड में कौन कौन से नंबर है बताइए, 100 है, इसके अपर बाउंड का सेट में कौन कौन से नंबर है, अपर बाउंड में कौन कौन से नंबर है इसके, जो दिख रहे हैं हमें अभी साफ साफ दिख रहे हैं हमें कौन से नंबर है, वो सारे नंबर x हैं जो greater than equal to क्या है, 100, राइट अब आप देखिए आपका सेट बाउंडेड अबव है, आपको अपर कई अपर बाउंड मिले, अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, यदि कोई सेट बाउंडेड अबव है उसके सारे अपर बाउंड हम निकाल लें, मैं इंटरेस्टेड हूं उन अपर बाउंड में सबसे छोटी वाले अपर बाउंड पर, क्या कहा मैंने फिर से सुनिए, कोई सेट यदि बाउंडेड अबव है तो उसके अपर बाउंड्स होंगे, तो उसके अपर बाउंड का सेट बनेगा, तो क्या बोला मैंने,
सुनिए क्या क्या चल रहा है हमारे पास में, क्या चल रही पिक्चर, क्या चल रही है। यदि सेट एस बाउंडेड अबव है तो क्या मिलेगा मुझे, इससे क्या मिला, इसके पास अपर बाउंड्स होंगे, इसके पास कई अपर बाउंड्स होंगे, और कई क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होंगे, हम कह रहे हैं अपर बाउंड्स होंगे इसके पास, तो अपर बाउंड्स का सेट मिला। मेरा क्वेश्चन आया, मेरा क्वेश्चन ये आया, क्या इन अपर बाउंड में सबसे छोटा वाला अपर बाउंड आप ढूंढ सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं ढूंढने की। वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट, वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, हमें इस अपर बाउंड में से स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ढूंढना है, और यदि वो मिल गया हमें तो हम उसी को कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, LUB। इफ दिस स्मॉलेस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट देन इट इज कॉल्ड, मैं दी वर्ड यूज कर रहा हूं डेफिनेट आर्टिकल, इसका मतलब यदि वैसा अपर बाउंड मिलेगा तो वो केवल एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, यूनिक होगा, ये हम प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करेंगे बाद में, इज कॉल्ड दी लीस्ट लीस्ट अपर बाउंड। शॉर्ट फॉर्म में आपको बुक में लिखा मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में वो आपको बुक में लिखा मिलेगा क्या, LUB, लीस्ट अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा लीस्ट, उसी को आपके कोर्स में, कई कोर्स में उसको लिखते हैं इनफीमम, और उसका शॉर्ट फॉर्म दिखाने का होता इंफ, इंफ INF, LUB INF एक ही वर्ड है, एक ही एक मीनिंग को दर्शाने वाले दो वर्ड्स हैं, इनफीमम कहिए चाहे इंफ कहिए या इनफीमा कहिए या LUB कहिए, और यही मेरा टारगेट है अचीव करना। क्वेश्चन है क्या ये हमेशा पॉसिबल होगा, और आश्चर्य की बात ये है, मैंने आपको रियल नंबर सेट को, रियल नंबर को हम कंप्लीट सेट भी कहते हैं, और कंप्लीट कहने का रीजन ये भी है, रियल नंबर में यदि आप कोई भी बाउंडेड अबव सेट लें उसका LUB जरूर एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यस एग्जिस्ट करेगा, तो कहने का मेरा मतलब ये है इसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। क्या है ये प्रॉपर्टी, एवरी सेट विच इज बाउंडेड अबव हैज ए, ओ सॉरी मैंने यहां इनफीमम लिखा है, ओ सॉरी इनफीमम नहीं भाई, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है सुप्रीमम, सुप से लिखते हैं सॉरी सुप्रीमम और सुप, हैज ए सुप्रीमम और सुप, ये सबसे याद रखिए, भूलिएगा मत कभी भी इस प्रॉपर्टी को, इसका प्रूफ थोड़ा डिफिकल्ट है हम बाद में करेंगे, पर इस फैक्ट को याद रखिए, ये केवल रियल नंबर में सही है, मैं अभी बता रहा हूं क्यों, आपको कुछ बातें बता रहा हूं, बता अनोखी बातें बताऊंगा, ये केवल रियल नंबर में सही है। सुन लिया आपने मैंने क्या बोला आपसे, यदि कोई सेट बाउंडेड अबव है उसके अपर बाउंड का सेट मिलेगा, उस अपर बाउंड के सेट में आपको सबसे छोटा वाला अपर बाउंड ढूंढना है जिसको आप लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कहेंगे। क्वेश्चन था कि यदि रियल नंबर का कोई सेट बाउंडेड अबव है तो क्या उसका लीस्ट अपर बाउंड हमेशा एग्जिस्ट करेगा,
आंसर है यस। रियल नंबर में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आपको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, रियल नंबर में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मैंने क्या बोला, अब मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, क्या समझ गए होंगे मैं क्या होमवर्क छोड़ रहा हूं आपके लिए, क्या यदि कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड बिलो सेट के लिए क्या मिलेंगे, मैं आपके लिए एक एल्गोरिथम बना दे रहा हूं। यदि कोई सेट बाउंडेड बिलो है इसका मतलब उसके लिए आपको क्या मिलेंगे, लोअर बाउंड। वहां क्या मिलते थे, अपर बाउंड्स, उसके लिए आपको मिलेंगे लोअर बाउंड्स। बाउंडेड बिलो है मतलब किसी नंबर से नीचे से बाउंडेड है, इसका मतलब उस नंबर से छोटे हर नंबर क्या होंगे, लोअर बाउंड्स होंगे। तो बाउंडेड बिलो हो गया। इन लोअर बाउंड्स में ये देखिए ये सेट है, ये यहां से देखिए बाउंडेड बिलो है, ये सारे नंबर, ये सारे नंबर ये लोअर बाउंड होंगे। ये मेरा सेट था, ये मेरा सेट था रियल लाइन में, ये मेरी रियल लाइन है, ये मेरा सेट एस था। ये देखिए यहां से बाउंडेड बिलो था, ये देखिए ये सब मिले। इन लोअर बाउंड्स में मैं सबसे बड़ा वाला चाहता हूं। इन लोअर बाउंड्स में क्या ढूंढ रहा हूं, the greatest of these lower bounds, इन lower bounds का सबसे बड़ा वाला lower bound, और उसको यदि वो exist करेगा तो उसको हम कहेंगे greatest lower bound GLB, इसको इनफीमम भी कहते हैं, इनफीमम, और इसको इंफ लिखते हैं। फिर वही प्रॉपर्टी, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, यदि कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, आंसर है यस। उसको कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। यदि कोई सेट, रियल नंबर का कोई सेट यदि बाउंडेड बिलो है तो उसके पास एक सुप्रीमम जरूर होगा। हम बाद में देखेंगे सुप्रीमम एक ही होता है और इनफीमम भी एक ही होता है यदि एग्जिस्ट करता है। तो रियल नंबर में हमने क्या नोट किया, जल्दी समराइज करें, रियल नंबर में हमने क्या नोट किया, हर ग्रेटेस्ट, हर बाउंडेड अबव सेट के लिए एक क्या मिलेगा, यस सुप्रीमम। हर बाउंडेड बिलो सेट के लिए क्या मिलेगा, एक इनफीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लिखने का तरीका होता है सुप्रीमम ऑफ एस, मान लीजिए वो नंबर अल्फा मिला, इनफीमम ऑफ एस, मान लीजिए वो नंबर बीटा मिला, ये लिखने का तरीका है, दैट इज द वे यू राइट। इस पे ज्यादा चिंता मत करिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, नाम तो आप सीख जाएंगे। नाम पता होना चाहिए स्टैंडर्ड, पर ये नहीं कि आपका पूरा जोर नाम पर ही रह जाए और आप कॉन्सेप्ट को ना सीख पाए। अब क्वेश्चन है, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप ये क्वेश्चन पूछेंगे सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि रियल नंबर के सेट में यदि कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम मिलेगा निश्चित रूप पर, यदि कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसका इनफीमम भी मिलेगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर। मैं तो एग्जाम्पल में दिखाऊंगा आपको, हमेशा दिखा दूंगा, जैसे मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया था -7 से 100, ये सेट था मेरा एस, इस सेट का सुप्रीमम दिख रहा है आंखों के सामने क्या 100, और इस सेट का इनफीमम आंखों के सामने है क्या -7। आप बोलेंगे सर क्यों कैसे, हाँ तो 100 से नीचे कोई नंबर ले लो, यही तुम 100 से छोटा कोई भी नंबर लोगे, मान लो आप बोलते हो नहीं सर मैं तो नहीं मानता आपकी बात, आपकी बात सही नहीं है, मैं सर एक नंबर आपको ढूंढ के दिखा दूंगा जो 100 से थोड़ा सा छोटा है और वो भी इसका सुप्रीमम है। तो याद रखो सुप्रीमम होने के लिए क्या जरूरी है, सुप्रीमम होने का मतलब होता है उसको अपर बाउंड तो होना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए, ये चीज ध्यान रखिए, सुप्रीमम एस का सुप्रीमम यदि अल्फा है तो ये दो बातें बिल्कुल फिक्स हैं, अल्फा इज एन अपर बाउंड,
अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, इसका मतलब फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू एस, एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड, अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड, अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड अमंग दोज अपर बाउंड, उन अपर बाउंड में सबसे छोटा है. तो जो भी सुप्रीमम होगा उसको अपर बाउंड तो होना ही पड़ेगा. आइए वापस, आपने बोला कि नहीं सर मैं 100 से छोटा सा नंबर ढूंढ के लाऊंगा सर घर से, जो कि मैं बता दूंगा सुप्रीमम है. ठीक है, आप 100 से छोटा एक नंबर ढूंढ के लाते हैं, आप लाए अल्फा, अल्फा 100 से छोटा है और आप क्लेम कर रहे हैं कि सुप्रीमम आप सारी सेट का सुप्रीमम अल्फा है. देखिए मैं आपकी बात को निगेट करता हूं कैसे. आपने क्या बोला, बोलिए क्या बोला आपने, आपने बोला सब छोटा सा, इसके बिल्कुल से लगा हुआ हल्का सा. 100 से छोटा कोई भी नंबर आप लेंगे तो एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, हम कहते हैं रियल नंबर पैक्ड होते हैं, माने रियल नंबर में कोई होल नहीं होता. इसका मतलब कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर लेंगे उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर आ जाएंगे. इसका मतलब आप 100 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो मैं एक नंबर ढूंढ के दिखा दूंगा एक्स जो 100 से छोटा होगा और अल्फा से बड़ा होगा. इस 100 से छोटा होगा और अल्फा से बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब ये नंबर एक्स किस में आ गया, एस में आ गया. 100 से छोटे नंबर तो एक्स में होते हैं, पर ये तो आपके अल्फा से बड़ा हो गया. पर आपने तो अल्फा को अपर बाउंड कहा था, अपर बाउंड का मतलब होता है एस के हर एलिमेंट, एस में आने वाला हर नंबर अल्फा के बराबर होगा या अल्फा से छोटा होगा. पर आपने तो एक नंबर ले आए एस का जो अल्फा से बड़ा है, इसका मतलब अल्फा इज नॉट अपर बाउंड. और जब अल्फा अपर बाउंड है ही नहीं तो वो लीस्ट अपर बाउंड कैसे हो जाएगा. इसका मतलब आपका कहना गलत है, इसका मतलब मैं सही हूं जो मैंने स्टेटमेंट दिया था. सिंपल सा नहीं, मैं लॉजिकली सोचिए जरा सा एनालिसिस को. अब मैं इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूं केवल ये बता के कि रियल नंबर में तो ये होता है और नंबर सिस्टम में नहीं होता. कैसे देखिए जरा सा, ये लीजिए, आप ये ले लीजिए, एक सेट लीजिए एस जिसमें वो सारे रैशनल नंबर्स लीजिए, रियल नंबर नहीं रैशनल नंबर ले रहा हूं. अब मैं काम कर रहा हूं इस सिस्टम में, सेट ऑफ रैशनल नंबर में काम कर रहा हूं, सेट ऑफ रैशनल्स हम यहां वर्क कर रहे हैं. अब हमारे हम रियल नंबर में काम नहीं कर रहे. हमको जो आपने दिया है, आपने मुझे एक सेट दिया, आपने जो सिस्टम दिया वो रैशनल नंबर का सिस्टम दिया, मैं इसमें काम कर रहा हूं. ये सेट दिया मैंने भाई, एक्स स्क्वायर लेस देन टू एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो. इसमें वो सारे रैशनल नंबर आते हैं जिनका स्क्वायर टू से छोटा होगा और जीरो से, और वो रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है जीरो. इसका मतलब इसमें कौन से रैशनल नंबर आ रहे हैं, इसमें वो सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, रैशनल नंबर है जो पॉजिटिव है जीरो से बड़े हैं और साथ में रूट टू से छोटे हैं. एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू तो एक्स इक्वल टू रूट टू, ऐसे सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं. राइट, देखिए जा सर, इसमें वो रैशनल नंबर आ रहे हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ टू से क्या है छोटे और जीरो से क्या है बड़े. इसका मतलब ये सेट एस इज बाउंडेड अबव. राइट, रूट टू साफ साफ दिख रहा है, बच्चे बच्चे को दिख रहा है रूट टू इसका क्या है, रूट टू इज इट्स एन अपर बाउंड, रूट टू इसका एक अपर बाउंड है और रूट टू से बड़े सारे नंबर्स के अपर बाउंड होंगे.
राइट। अब मैं रियल नंबर सिस्टम में नहीं हूं, ये रूट टू तो रियल नंबर है, याद करो रूट टू रियल नंबर है, रूट टू रैशनल नंबर नहीं है। रूट टू इज नॉट ए रैशनल नंबर। आप नोट करेंगे, ये आपको काम करना घर में जाए, किसी भी स्टैंडर्ड बुक जो मैंने बताई है, बहुत स्टैंडर्ड है, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड, ईच एंड एवरी बुक यू विल गेट दिस थिंग। आप देखेंगे इस सेट का सुप्रीमम रूट टू होगा, क्योंकि रूट टू से छोटा कोई भी नंबर इसका सुप्रीमम नहीं होगा, बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए, बहुत चिंता करने की बात नहीं है, आप ना हर चीजों से घबराइए मत, सोचिए। आपने बोला नहीं सर इसका एक इसका एक इसका सुप्रीमम एक रैशनल नंबर आएगा सर, मुझे पता है सर, उसका नाम बीटा है। तो आपकी क्लास में से एक, आपकी क्लास में से और आपके ग्रुप में से एक बड़ा टैलेंटेड लड़का है, उसने बोला नहीं सर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इसका सुप्रीमम एस बीटा है, और ये बीटा सर रैशनल नंबर है, साथ में सर ये बीटा रूट टू से छोटा है, रूट टू नहीं है। वेरी गुड, चलिए इसका मतलब बीटा रैशनल नंबर है, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये छोटा है किससे, रूट टू से, जो इरेशनल नंबर है। दो एक रैशनल और एक इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होते हैं, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होते हैं। ये नोन फैक्ट है, मैंने क्या बोला था आपको, रियल नंबर में क्या नहीं होते, गैप्स नहीं होते। तो जब आप एक रैशनल ले रहे हैं और एक इरेशनल ले रहे हैं और दोनों डिफरेंट हैं, तो उनके बीच में पैक हो जाएगा फिर से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल घुस जाएंगे बीच में। इसका मतलब आपको कम से कम एक रैशनल मिल जाएगा एक्स, जो बीटा से बड़ा होगा और रूट टू से छोटा होगा, एक रैशनल मिलेगा। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, आपको इस सेट का एक मेंबर मिला जो रूट टू से छोटा है और बीटा से बड़ा है। इसका मतलब बीटा क्या नहीं है, लोअर बाउंड नहीं है। आपकी बात गलत हो गई, क्योंकि जब लोअर बाउंड नहीं है तो सुप्रीमम कैसे हो सकता है, सुप्रीमम कैसे हो सकता है बीटा जब लोअर बाउंड ही नहीं है। इसी तरह से आप दिखा सकते हैं कि रूट टू से बड़ा कोई नंबर सुप्रीमम नहीं होगा। इसका मतलब मेरा कहा हुआ ये बात बिल्कुल सत्य आएगा, सत्य होगी, कौन सी बात, कि इस सेट का सुप्रीमम रूट टू है और रूट टू रैशनल नंबर नहीं है। इसका सुप्रीमम तो मिला, सुप्रीमम तो मिलेगा, पर ये सुप्रीमम क्या नहीं मिला, मेरा सिस्टम क्या था, मेरा सिस्टम रियल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर का सिस्टम है। मुझे ये सेट जो मैंने बनाया था बाउंडेड अबव सेट, सुन लीजिए अच्छी तरह से, ये सेट जो मैंने बाउंडेड अबव सेट लिया था, ये इस सिस्टम में लिया था, और इस सिस्टम में ये सेट बाउंडेड अबव है, पर इसका सुप्रीमम इस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। कहां चला गया सुप्रीमम, रियल नंबर सिस्टम में चला गया। इसीलिए कभी कभी कहते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं, रियल नंबर सिस्टम आर इज कंप्लीट एंड क्यू इज इनकम्प्लीट। ये एक रीजन है, आर कंप्लीट सिस्टम है, आर में आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, और क्यू में मिल भी सकता है और नहीं भी मिलने की बातें। तो याद रखिए मैंने कहा था आपसे बड़ा जरूरी है सिस्टम आर का होना, तो वो प्रॉपर्टी जो थी लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी, वो इस सिस्टम के लिए ना कि इस सिस्टम के लिए, मैंने एग्जांपल दिखाया अभी आपके सामने, इस सिस्टम में वो प्रॉपर्टी फेल कर जाती है। इसीलिए हम रियल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम टाइम काम करते हैं, पर इसका मतलब नहीं आप हायर, जब आप मैथमेटिक्स में हायर मैथमेटिक्स लर्न करने जाएंगे तो आप नई नई बातें सीखेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे, तो चिंता मत करिए, अभी पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट को अचीव करिए। तो हम अपने अगले लेक्चर में ओपन और क्लोज सेट के बारे में बताएंगे।